तो आज मैं जिस शहर के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, देश की पहली राजधानी, सबसे पुराने शहरों में एक, सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, कोलकाता। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके आधुनिक स्वरूप व विकास अंग्रेजों एवं फ्रांस के उपनिवेशवाद के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ का प्रचलित भाषा बंगाली है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोग को बताऊँगा मैं कोलकाता कहाँ कहाँ घूमे, कोलकाता घूमने में कितने दिन लगेंगे, कोलकाता घूमने में कितने खर्च आएंगे। कोलकाता में तीन बड़े रेलवे स्टेशन हैं, सियालदा, हावड़ा, कोलकाता, जो कि काफ़ी शहरों से आप लोग को ट्रेन यहाँ के लिए डायरेक्ट मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और काफ़ी शहरों से यहाँ की फ्लाइट डायरेक्ट मिल जाएगी। यहाँ का मेट्रो जो है बहुत ही सस्ती है। यहाँ का मेट्रो भारत का पहला मेट्रो है, इसकी शुरुआत 1984 में हुई। यहाँ जाए तो ये मेट्रो का आप कार्ड जो देख रहे हैं ज़रूर बनवा लें। इसे बनवाने से आपको लाइन वगैरह में नहीं लगना पड़ेगा, पूरे कोलकाता शहर में बड़े आराम से आप घूम सकते हैं मेट्रो से। कोलकाता में पहला दिन, कोलकाता में पहला दिन आप इको पार्क को कवर कर ले। यहाँ जाने के लिए आप लोग को ओला उबेर बस मिल जाएगा, इधर मेट्रो का काम चल रहा है इसलिए इधर जाने के लिए आप लोग को मेट्रो नहीं मिलेगा। इसकी एंट्री फीस जो है 30 रुपीज़ होगी। यहाँ का टाइमिंग जो है 12 PM टू 7:30 PM होगा, संडे एंड होलीडे आपको 11 PM टू 7:30 PM होगा। अंदर में जो आप एक्टिविटी कीजिएगा उसका प्राइस अलग से लगेगा। इको पार्क के पास ही है निको पार्क, जहां आप लोग को बहुत सारा एडवेंचर करने के लिए मिल जाएगा, जिसका प्राइस लगभग 1000 रुपये के आसपास होगा। तो वहां जाना चाहते हैं उसके लिए आपको अलग से एक दिन निकालना पड़ेगा। कोलकाता जाए तो अगर आप झालमुरी और भेलपुरी पसंद करते हैं तो ज़रूर खाएं, यहाँ बहुत ही अच्छा बनाता है। इको पार्क के बाहर ही आप लोग को बहुत सारा दुकान मिल जाएगा। इको पार्क के जाने के रास्ते में ही आप लोग को मिलेगा विश्व बंगला गेट, इसका भी आप मज़ा ले सकते हैं आप लोग। इसका प्राइस होगा 100 रुपया। यहाँ बहुत सारा रेस्टोरेंट वगैरह मिल सकता है, तो आप यहाँ भी जाके घूम सकते हैं। दूसरा दिन आप लोग जल्दी जल्दी सुबह सुबह जग जाए, माँ काली का दर्शन कर ले, दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर जाने के लिए आप लोग को मेट्रो मिल जाएगा। यहाँ मेट्रो स्टेशन जो है दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन के नाम से ही है। यहाँ जाने के लिए आप लोग को एंट्री फी फ्री है, सुबह सुबह चला है, शाम तक रहता है खुला हुआ। काली माँ का दर्शन वगैरह कर ले, कोशिश करें कि मंदिर से आप लोग 3 बजे तक साइंस सिटी पहुंच जाए, क्योंकि ये भी 6 बजे तक बंद हो जाता है। इसका प्राइस जो है 120 रुपया है। आप आराम से रूपवे पे इधर से आप लोग जिधर सारा चीज़ रखा हुआ था रूपवे से इधर से उधर जा सकते हैं 120 रुपये में, और आराम से साइंस सिटी आप लोग घूम सकते हैं। कोलकाता का सबसे पॉपुलर मार्केट जो है एस्प्लेनेड मार्केट है, इसे इसको धर्मशाला का मार्केट भी कहा जाता है, तो यहाँ भी घूम सकते हैं। तीसरे दिन आप कोशिश करें कि इंडियन म्यूजियम आप लोग 2 बजे से पहले घूम लें। इसके जो सबसे नज़दीक मेट्रो स्टेशन जो है पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन है, इसका टिकट प्राइस जो है 50 रुपया होगा। अलग से आप कुछ कैमरा वगैरह ले जाते हैं तो उसका प्राइस अलग से 50 रुपया लगेगा। इसके बगल में है एक गली है, वहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छा खाना बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ जाके आप लोग खाना वगैरह खा सकते हैं। इसे बंगाल में जो है खाना जो है बहुत ही सस्ता है, तो आप यहाँ खा सकते हैं बड़े आराम से। कोलकाता जाए तो आप पूरी सब्जी ज़रूर खाएं, यहाँ पूरी सब्जी बहुत ही अच्छा मिलता है, तो जाए तो इसका भी आनंद आप लोग ज़रूर लें। कोलकाता के सबसे पॉपुलर प्लेस में से एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, यहाँ आप बड़े आराम से मेट्रो से आ सकते हैं। इसका सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन मैदान, यहाँ से 5 से 7 मिनट चल के आप आइएगा, बड़े आराम से पहुँच जाइएगा। कोशिश करें कि इंडियन म्यूजियम आप जल्दी घूम लें और यहाँ जल्दी आ जाए, क्योंकि यह जगह जो है बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ घूमने में आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। उसी दिन आप विक्टोरिया मेमोरियल हॉल घूमने के बाद जाके आप लोग हावड़ा ब्रिज भी देख सकते हैं, जो कि रात में और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ऐसे आप मेरे चैनल पे हर एक जगह का मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। कोलकाता घूमने के लिए अगर आपके पास 4 दिन है तो बड़े आराम से पूरे कोलकाता को आप घूम सकते हैं। अगर आपके पास 3 दिन है तो 3 दिन में भी जो जो पॉपुलर प्लेस है सारा पॉपुलर प्लेस आप लोग को कवर हो जाएगा। तो पहला दिन आप लोग इको पार्क विश्व बंगला गेट घूम ले। यहाँ घूमने के बाद आप दूसरा दिन कोशिश करें कि जल्दी से सुबह सुबह दक्षिणेश्वर मंदिर चले जाए, और वहाँ से घूम का है दूसरा दिन ही आप लोग साइंस सिटी घूम ले। और तीसरा दिन में आप लोग जो है देख सकते हैं ये म्यूजियम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल घूम ले।
अगर आप लोग के पास एक दिन अलग से है तो आप लोग ये सब प्लेस जू कालीघाट ये सब प्लेस को कवर कर सकते हैं। अगर आप टाइमिंग को सही से मैनेज कीजिएगा तो आप लोग निको पार्क भी घूम सकते हैं, वो भी प्लेस अच्छा है। अब मैं सीधे आता हूँ मेन मुद्दे पे। आप लोग को कोलकाता घूमने में जो खर्च आएगा होटल में जो लगभग 3,000 आ सकता है, ट्रांसपोर्ट में आप लोग को 1,500, मील्स में 1,000 रुपया लगभग आ सकता है। इसमें भी अगर आप लोग ग्रुप में जाते हैं अपना अपना खर्च दीजिएगा तो बड़े आराम से बहुत ही कम में घूम सकते हैं। इसे लो बजट में आप लोग को 500 रुपया में होटल भी मिल जाएगा। तो पूरे कोलकाता को आप लोग 3 से 5 हज़ार में बड़े आराम से घूम सकते हैं। अगर आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दे।